Hi guys, I am Supreet. I am Pavan. And together we have a passion for travel. And we are the traveling couple. Beautiful और mesmerizing Jungfrau के बाद हमारा next stop था Geneva, जो कि incidentally हमारे Europe trip का last stop था। दिन भर Jungfrau की पहाड़ी घूमने के बाद हम शाम को train से निकले Interlaken से Geneva के लिए। पहुंच गए Geneva और हमने Geneva airport से बस पकड़नी अपनी Airbnb के लिए। वहाँ हमने पहले से ही अपना Airbnb बुक कर रखा था। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम पहुंच चुके हैं Geneva। हमारे ठीक पीछे है यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स और हम चल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स के सामने। आप देख सकते हैं दूर सारे देशों के झंडे लगे हुए हैं और यूनाइटेड नेशंस की मेन बिल्डिंग UN हेडक्वार्टर्स और इसके ठीक सामने है वो ब्रोकन चेयर। और मेरे ठीक पीछे है ब्रोकन चेयर जो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के सामने लगी हुई है। इसकी एक टूटी टांग एक बनाई गई है लैंडमाइन विक्टिम्स को सिंबलाइज करने के लिए, हु हैव लॉस्ट देयर लेग्स ड्यू टू लैंडमाइंस एंड टू सेंड अ मैसेज कि लैंडमाइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड शुड बी बैन। हम पहुंच गए Geneva, पीछे दूर फाउंटेन दिख रहा है जहां अभी हम पास में भी जाएंगे और हम खड़े हैं पॉइंट माउंट फ्रैंक पे। पीछे ये क्रूज चलने वाला पॉइंट है, अभी हम एक बार थोड़ा घूम लें फिर उसके आगे क्रूज भी करेंगे Geneva का। ठीक पीछे है फ्लावर क्लॉक Geneva की फेमस। अब हम फ्लावर क्लॉक से फाउंटेन की तरफ जा रहे हैं जो इनका फेमस 200 मीटर वाला फाउंटेन है, बट उससे पहले रास्ते में एक और फाउंटेन दिख गया तो इसके साथ ही फोटो खिंचाने में मजा आएगा। इसका नाम हम मेरे को पता नहीं। और अब हमारे ठीक पीछे है Geneva का फेमस फाउंटेन जो 200 मीटर ऊपर हाइट तक जाता है और नीचे आते आते पानी दिखता भी नहीं कि कहाँ गिर रहा है, पूरा स्प्रे की तरह हो जाता है। पास ऑलरेडी हम काफ़ी पास पहुँच चुके हैं बट अभी और पास जा सकते हैं और पानी की बूंदें तेज़ पड़नी शुरू हो चुकी है, खूब तेज़ हवा भी चल रही है उस झरने की वजह से। हमने काफ़ी देर यहाँ बैठ के झरने के सामने बिताया, आराम से थोड़ा खाया पिया, रेस्ट किया और अब आगे चले गए। और Geneva की सड़कों पे चलते हुए अब हम जा रहे हैं सेंट पियरे कैथेड्रल की तरफ। मेरी बीवी बार बार स्विट्जरलैंड में डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, डर बहुत लगता था। हमारा नेक्स्ट स्पॉट था सेंट पियर कैथेड्रल और मेरा ये न्यू फाउंड लव फॉर हिस्ट्री जो कि मेरी एक कॉलीग की वजह से है, आई एक्सप्लोर्ड कि ये बना कब था।
though I found out it was in 1190. And then I realized कि ये हमारे पेरिस के सेंट चैपल चर्च से काफी मिलता जुलता है क्योंकि वहां पे भी ऐसे ही स्टेन्ड ग्लास विंडोज थी। यहाँ एक ऊपर टॉवर भी है जो कि आप पैसे देके ऊपर चढ़ सकते हैं, पर वहां से जिनीवा का एक बहुत ही अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। क्या होते हैं ये? मैकरून्स ट्रूफल्स। और अब ठीक हमारे पीछे है विक्ट्रीनॉक्स फ्लैगशिप स्टोर और दूसरी तरफ सुंदर सी छोटी सी चर्च। और गुरुद्वारे से आने के बाद हमने थोड़ी सी वॉक की जिनीवा लेक के किनारे और अब हम जा रहे हैं बोट क्रूज के लिए जो हमें एक घंटे के जिनीवा टूर पे लेके जाएगी और जो स्विस पास में इंक्लूडेड है। और जब आप थक जाएं तो राहत का काम करता है बोट क्रूज जिसमें आप बैठे बैठे पूरा शहर भी घूम लेते हैं और आपकी टांगों को आराम भी मिल जाता है। हमारा बोट क्रूज ख़त्म हुआ और हमारा पूरा स्विट्ज़रलैंड ट्रिप अब ख़त्म होने की कगार पे। हमारे सारे प्लान्ड पॉइंट्स अब ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट में जाएंगे कूप सुपरमार्केट, जो भी बचे हुए चेंज है उसको ख़त्म करेंगे एंड देन घर जाके सोएंगे, सुबह फ्लाइट पकड़ेंगे। सो ये आखिरी शाम इस यूरोप ट्रिप की, अब अगली बार यूरोप फिर मिलेंगे। हम हैं जिनीवा एयरपोर्ट पे, बहुत बड़ा नहीं है, अब इंडिया के मुंबई और दिल्ली के एयरपोर्ट बहुत बड़े हो चुके हैं, ये छोटा सा ही है। इनकी सिक्योरिटी चेक के लिए भी सिर्फ 2 या 4 काउंटर ही थे और हमने इस बार फ्लाइट की सीट ली है 3 खाली वाली विंडो की साइड पर ताकि हम टेक लगा के आराम से। और जाते जाते एक एडवाइस लेते जाना, अगर जून में आप ट्रैवल कर रहे हैं यूरोप तो वहां से चॉकलेट खरीद के वापस मत लाना क्योंकि जब तक आप दिल्ली पहुंचेंगे वो बिल्कुल पिघल चुकी होंगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।